हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन बाबा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम जुलाई 2020 में होने वाली सीटेट परीक्षा के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं। इस सीरीज के अंतर्गत यह हमारा 15वां वीडियो है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज पसंद आ रही हो तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का तात्पर्य क्या है? यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का क्या तात्पर्य है? पहला ऑप्शन है एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने छात्रों के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। दूसरा ऑप्शन है छात्रों के ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो आपका ऑप्शन थर्ड इसमें सही उत्तर होगा। जो व्यापक शब्द का तात्पर्य होता है वह आपका छात्रों में ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण आदि की क्षमता के मूल्यांकन से होता है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन टू है, जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब से आरंभ होता है? यानी वह कौन सी उम्र या कौन सी आयु होती है जब एक बालक में चिंतन का विकास प्रारंभ हो जाता है? पहला ऑप्शन है 2 वर्ष की आयु के बाद। दूसरा ऑप्शन है आपका 5 वर्ष की आयु के बाद। तीसरा ऑप्शन है 7 वर्ष की आयु के बाद। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने 15 वर्ष की आयु के बाद। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष की आयु के बाद। यानी जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास उसकी आयु के 2 वर्ष बाद प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन थर्ड है फ्रेंड्स, किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, निम्न में से यह किसका कथन है? यानी किसके द्वारा ये कहा गया है कि जो बालक में प्रेम तथा भय का संवेग विकसित होता है सबसे पहले? तो जी इन प्याजी ऑप्शन है वाटसन है, स्किनर है या कॉलर। तो आपके जो वाटसन हैं उन्होंने कहा कि एक जो बालक होता है उन बालक में सबसे पहले भय तथा संवेग विकसित होते हैं। भय और प्रेम का जो संवेग होता है वह विकसित होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? ऑप्शन है पहला कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तीसरा है शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। फोर्थ है आपका कक्षा में एकदम खामोशी। तो इसमें आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? तो शिक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, यानी अगर शिक्षार्थी कक्षा में प्रश्न पूछ रहे हैं तो यह एक अभिप्रेत शिक्षण का संकेत माना जाता है। ऑप्शन इसमें तीसरा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? पहला परिवार का, दूसरा विद्यालय का, तीसरा समाज का और फोर्थ है आपका धर्म का। तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है और बताना है आपको कि वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे जो महत्वपूर्ण विकास में योगदान होता है वो किसका होता है? तो वाइगोत्स्की जो है वह आपके समाज को एक बालक के विकास में महत्वपूर्ण उसका महत्व मानते हैं। यानी ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। यानी वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह समाज का होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस काल में सुचारू विकास हो जाने से संपूर्ण जीवन लाभ प्राप्त होता है? यानी वह कौन सा काल होता है जिसमें अगर विकास हो जाता है तो वह उसका जो विकास होता है वह जीवन भर हमारे जीवन पर प्रभाव या उसका लाभ मिलता है? पहला ऑप्शन है आपके सामने शैशवावस्था, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने बाल्यावस्था, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने प्रौढ़ावस्था। तो बताना है आपको, यानी वो कौन सी
काल होता है जिसमें सुचारू रूप से विकास संपूर्ण जीवन होने के बाद संपूर्ण जीवन उसका लाभ प्राप्त में होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन तीसरा सही उत्तर होगा, जो आपकी किशोरावस्था होती है, किशोरावस्था में सुचारू विकास हो जाने के बाद वह जीवन भर उससे हम लाभ प्राप्त करते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया कहलाती है समाजीकरण, व्यक्तिकरण, उदारीकरण या आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है निजीकरण। तो इसमें बताना है कि सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जो आपका सामाजिकरण व्यक्तित्व का विकास करती है वह प्रक्रिया आपकी सामाजिकरण कहलाती है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही उत्तर होगा, यानी सामाजिक व्यक्तित्व का विकास करने वाली प्रक्रिया जो होती है वह सामाजिकरण कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाली शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। पहला ऑप्शन है आपके लिए, शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता होना चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें आपको बताना है कि जो बाल केंद्र शिक्षा व्यवहार के अंतर्गत एक शिक्षक को बालक के बारे में क्या जानकारी रखना आवश्यक है। तो यानी इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ सही उत्तर होगा कि बाल केंद्र शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिए बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के बारे में, मूल आधारों के बारे में, आवश्यकताओं के बारे में, मानसिक स्तर के बारे में, उसकी रुचियों के बारे में, योग्यताओं एवं व्यक्तित्व आदि का उसके विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, यानी कौन सा मनोवैज्ञानिक है जिसने नैतिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। पहला ऑप्शन है जीन पियाजे, दूसरा ऑप्शन है लॉरेंस कॉर्वर्क, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने फ्रॉयड और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सीयर्स। तो जो आपके ऑप्शन नंबर 2 लॉरेंस कॉर्वर्क हैं उनके द्वारा नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है, बुद्धि परीक्षण का निम्न लिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास की दृष्टिकोण से सही नहीं है। तो यानी आपको बताना है कि जो बुद्धि परीक्षणों का उपयोग आधुनिक जगत में जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग इनमें से विकास के दृष्टिकोण से कौन सा सही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शैक्षिक मार्गदर्शन, दूसरा बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन आपके सामने अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, फोर्थ ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। तो इसमें आपका जो दृष्टिकोण यानी बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में होने के बाद, तो इसमें आपको बताना था कि कौन सा दृष्टिकोण सही नहीं है। तो इसमें फोर्थ ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा कि बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना कि यह आपका कमजोर बच्चा है या मंद बुद्धि वाला है, इस प्रकार से। यानी हम इसे कह सकते हैं कि आजकल जो बुद्धि परीक्षण का हम उपयोग या शिक्षा जगत में जो हो रहा है उसके जरिए बुद्धि परीक्षण के लिए शैक्षिक मार्गदर्शन, अच्छी अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण आदि का प्रयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, लड़कियों की पढ़ाई पर किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा किस वर्ग समूह से संबंधित है। यानी कुछ लोग यह मानते हैं कि जो लड़कियों की पढ़ाई पर खर्च किया जाए उससे तो अच्छा उनके व्यवहार पर खर्च करना बेहतर है, यानी तुलना में वह अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है। तो यह किस धारणा के लोग हैं, यानी किस धारणा से संबंधित यह वर्ग समूह है। पहला है उच्च वर्ग से, दूसरा अनुसूचित जाति से, तीसरा है आपका आदिवासी वर्ग से और फोर्थ है आपका आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही उत्तर होगा कि जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं, यानी लड़कियों की पढ़ाई के किए जाने वाला खर्च उनके विवाह पर किए जाने वाले खर्च की तुलना में अधिक उपयोगी एवं श्रेष्ठ है, यह धारणा उच्च वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन इसमें पहला सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है,
निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है कि जो विकास होता है वह सामान्य सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। थर्ड ऑप्शन है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और नेक्स्ट ऑप्शन है विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो जो मानव विकास सही विकास जो होता है वह आपका सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कक्षा 7वीं के कक्षा अध्यापक हैं, आप अपनी कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि लब्धि परीक्षण करते हैं, आप पाते हैं कि पूरी कक्षा में रमा और अशोक की बुद्धि लब्धि 130 से ऊपर है, तो रमा और अशोक हैं मानसिक विकलांग छात्र, सामान्य छात्र, प्रतिभाशाली छात्र या प्रशिक्षणीय मानसिक विकलांग छात्र। यानी आपके रमा और जो अशोक हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि है वह 130 है, तो वह आपके प्रतिभाशाली छात्र होंगे। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार इत्यादि को लिखता है एवं इस तरह की एकत्र सूचनाओं के आधार पर मूल्यांकन करता है? तो आपके सामने फर्स्ट ऑप्शन है जांच सूची, दूसरा ऑप्शन है प्रश्नावली, तीसरा है निरीक्षण और फोर्थ है आपका साक्षात्कार। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा कि जब एक भाषा के प्रयोग यानी खेल के दौरान, तो भाषा और आपका संवेगात्मक आदि क्रियाओं को वह लिखता है यानी सूचना को एकत्रित करता है, तो वह आपका जांच सूची के अंतर्गत आएगा। यानी हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो जांच सूची की विधि से शिक्षक विद्यार्थी के विभिन्न तथ्यों जैसे भाषा के प्रयोग, संवेगात्मकता, खेल के दौरान व्यवहार आदि को लिखता है एवं सूचनाओं का वह संग्रहण करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, भाषा की परीक्षा में शब्द पदबंध, वाक्य अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है? यानी भाषा की परीक्षा में शब्द पदबंध, वाक्य अलंकार आदि की जांच के लिए प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। तो पहला ऑप्शन है आपके सामने लघु उत्तरीय प्रश्न, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने निबंधात्मक प्रश्न और फोर्थ है ये सभी। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बताना है कि परीक्षा भाषा की परीक्षा में शब्द पदबंध, वाक्य अलंकार इत्यादि की जांच के लिए किस प्रकार के प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन पहला उत्तर सही होगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। यानी भाषा की परीक्षा में शब्द पदबंध, वाक्य अलंकार इत्यादि की जांच के लिए अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो इसमें त्रुटि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत आपको दे रखा है इसमें। तो ऑप्शन है पावलोव, दूसरा ऑप्शन है टॉलमैन, तीसरा है थॉर्नडाइक और फोर्थ ऑप्शन आपके सामने कॉलर। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि अधिगम एवं प्रयास के त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में जो व्यक्ति या बच्चा गलती कर सकता है किंतु बार बार जब वो उन प्रयासों को बार बार करता है तो वह सीखने में सफल हो जाता है, और यह सिद्धांत आपका थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों में से संबंधित नहीं है? यानी आपके सीखने के नियम दिए गए उनमें से आपको बताना है कि कौन सा नियम इसमें से आपका थॉर्नडाइक के सीखने के नियमों से संबंधित नहीं है। पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, दूसरा ऑप्शन है आत्मसात का नियम, तीसरा ऑप्शन है अभ्यास का नियम, फोर्थ ऑप्शन है आपका तत्परता का नियम। तो जो थॉर्नडाइक द्वारा आपके सीखने के तीन नियम दिए गए उसमें प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम आता है। इसमें आपका आत्मसात का नियम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्याजे के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित हो जाता है? यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें बालक के अंतर्गत परिकल्पनात्मक चिंतन की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है? पहला ऑप्शन है आपके सामने संवेदी प्रेरक अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में और थर्ड ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में और आपके सामने फोर्थ ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा कि जो जीन प्याजे जो कहते हैं वो बताते हैं कि औपचारिक जो संक्रियात्मक अवस्था में बालक जो होता है वह परिकल्पनात्मक चिंतन करने लग जाता है, यानी उसमें परिकल्पनात्मक चिंतन करने की क्षमता विकसित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है,
किसी बालक में सृजनात्मकता का गुण होने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, यानी किसी बालक में सृजनात्मकता गुण होने के लिए इन चारों जो तत्व दे रखे हैं उनमें से क्या आवश्यक है। पहला है चिंतन का भाव, दूसरा है आपके सामने तार्किकता का भाव, तीसरा है कल्पनाशीलता और फोर्थ है आपका संवेदनशीलता। यानी किसी बच्चे में सृजनात्मकता गुण होने के लिए जो एक आवश्यक है वो आपका कल्पनाशीलता उस बच्चे के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी किसी बालक में सृजनात्मकता गुण होने के लिए उसमें कल्पनाशीलता जो है वो आवश्यक होती है। ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक शिक्षक को अपने विद्यालय में किन छात्रों को अधिक महत्व देना चाहिए। पहला ऑप्शन है उच्च वर्ग के बालकों को, दूसरा ऑप्शन है पिछड़े वर्ग के बालकों को, नेक्स्ट ऑप्शन है अनुसूचित वर्ग के बालकों को, या सभी को समान महत्व देना चाहिए। तो यानी आपको एक शिक्षक को अपने विद्यालय में या कक्षा के दौरान सभी को समान महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभवतः व्यक्ति योग्यता की विभिन्न वस्तुओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है। पहला ऑप्शन है आपके सामने क्रू एंड क्रू, दूसरा ऑप्शन है टॉयलर, तीसरा ऑप्शन है मन, फोर्थ ऑप्शन है स्किनर। यानी आपको बताना है कि किस मनोवैज्ञानिक द्वारा यह कहा गया कि जो संभवत व्यक्ति योग्यता की जो विभिन्नताओं के बजाय व्यक्तित्व की विभिन्नता से अधिक प्रभावित होता है। तो यह कथन आपका टॉयलर द्वारा कहा गया है। ऑप्शन दूसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, दृष्टि दोष वाले छात्रों में निम्न में से कौन सा विकार नहीं पाया जाता है। पहला ऑप्शन है आंखों के बहुत निकट लाकर पुस्तक को पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है आंखों को बार बार मलना, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना, और नेक्स्ट ऑप्शन है सिर दर्द की शिकायत रहना। यानी दृष्टि दोष वाले छात्र में इनमें से कौन सा विकार नहीं पाया जाता, तो उसके लिए आप देखिए इसमें से ऑप्शन थर्ड यानी शरीर के अंगों में अवांछित हलचल रहना। क्योंकि जब उसकी दृष्टि वाले बच्चा है यानी दृष्टि दोष वाले बच्चे में वह आपका शरीर के अन्य अंगों से अवांछित हलचल क्यों करेगा, तो इसमें ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है। वह ऑप्शन है आपके लिए समस्या समाधान के लिए, दूसरा है स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है एक पक्षीय चिंतन के लिए, नेक्स्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यानी कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है तो वह किसका करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला उत्तर सही होगा समस्या समाधान के लिए। यानी समस्या समाधान के लिए कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का प्रयोग करता है, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विचार में निम्नलिखित में से क्या अधिगम प्रक्रिया की एक मुख्य विशेषता नहीं है। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सी जो है वह अधिगम प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। पहला ऑप्शन है आपके सामने शैक्षिक संस्थान एक ही स्थान है जहां से अधिगम प्राप्त होता है, दूसरा ऑप्शन है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, तीसरा है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, और फोर्थ है आपका अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो इसमें आपको बताना था कि अधिगम की प्रक्रिया में से कौन सी विशेषता नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला सही उत्तर होगा कि शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र ऐसे स्थान है जहां से आप अधिगम प्राप्त कर सकते हैं या होता है, तो इसमें ऑप्शन पहला इसकी शिक्षण अधिगम क्रिया की या अधिगम का विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर प्रक्रिया को सरल बनाने का सर्वोत्तम साधन है। पहला ऑप्शन है अनुबंधन, दूसरा है उसके सहपाठी, तीसरा है भाषा का माध्यम, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सबसे जो उपयुक्त साधन है वो क्या है, तो इसमें पहला ऑप्शन आपका सही उत्तर होगा अनुबंधन। यानी किसी बच्चे में पूर्व माध्यमिक स्तर पर हमें उसकी प्रक्रिया को सरल बनाने का जो सबसे सरल सर्वोत्तम माध्यम होगा या साधन होगा वो उसका अनुबंधन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा में निहितार्थ नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि बाल केंद्र शिक्षा में निहितार्थ नहीं है, यानी इनमें से किसी एक का अर्थ नहीं है, उसको हमें छांट कर निकालना है। पहला ऑप्शन है आपके सामने पाठ्य वस्तु को हिस्सों में बांटकर विश्लेषण से संश्लेषण की ओर पढ़ाया जाए, नेक्स्ट है पाठ्य वस्तु की पुनरावृत्ति एक निश्चित समय पर अवश्य की जाए, नेक्स्ट है हस्तकला तथा रचनात्मक कार्यों
सी शिक्षार्थियों को दूर रखा जाए, और फोर्थ है शिक्षण शिक्षा व्यवस्था बालक की रुचि के अनुसार उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें से आपको बाल केंद्र शिक्षा में निहितार्थ नहीं है, इसको हमें ध्यान से देखना है कि निहितार्थ नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन थर्ड देखिए कि हमें बच्चे को हस्तकला और रचनात्मक कार्यों से दूर रखना है, तो यह आपका ऑप्शन थर्ड सही उत्तर होगा, जो कि आपकी बाल केंद्र शिक्षा का एक या विशेषता या इसकी हम कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया का लक्ष्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऐसे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं ग्रस्त हैं, यानी वे बालक जो मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं या उनको दुविधा होती है, वे बालक किस प्रकार के होते हैं? पहला, वो किससे पीड़ित होते हैं? एलेक्सिया से पीड़ित होते हैं, अग्रेफिया से पीड़ित होते हैं, अफेजिया से पीड़ित होते हैं, या फिर वह आपकी डिसग्राफिया से पीड़ित होते हैं। तो जो बच्चे आपके मौखिक रूप से सीखने में अक्षम होते हैं वह आपके अफेजिया बीमारी से ग्रसित होते हैं। इसमें आपका ऑप्शन तीसरा इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने का कारक है। पहला, दृश्य बोध की कमी। दूसरा है दूरी सजगता की कमी। तीसरा है बोध की कमी। फोर्थ है आपके सामने स्मरण शक्ति की कमी। तो इसमें आपको बताना है कि समान अवधारणाओं के मध्य संबंध को न समझने वाला कारक कौन सा है। आपके सामने चार ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से बताना है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है बोध की कमी, यह आपका अवधारणाओं को मध्य समझने वाला कारक है, न समझने वाला कारक है ऑप्शन तीसरा बोध की कमी। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब बालक बार बार एक ही तरह की प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है, यानी कोई बच्चा है वो एक ही बार बार मतलब बार बार एक ही प्रकार की प्रक्रिया करता है या प्रतिक्रिया करता है तो इसका कारक है, यानी इसका कारण क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन है गामक क्रिया निष्पादन की कमी। दूसरा ऑप्शन है स्मरण शक्ति की कमी। तीसरा ऑप्शन है बोध की कमी। या फोर्थ ऑप्शन है दृश्य बोध की कमी। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही होगा कि गामक क्रिया निष्पादन की कमी, यानी कोई बच्चा जब आपका बार बार एक ही तरह की प्रक्रिया करता है तो वह जो होता है वह गामक क्रिया क्रिया निष्पादन की कमी के कारण होता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है क्वेश्चन नंबर 30, कक्षा में जब एक बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को उसे पढ़ने हेतु अवप्रेरित करने के लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। यानी एक बालक है वह अपंग बालक है यानी विकलांगता का शिकार है और उस बच्चे का तिरस्कार कर दिया जाता है किसी कारणवश, तो एक शिक्षक होने के नाते आप उसे किस प्रकार से अवप्रेरित करेंगे, यानी उसके लिए कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करनी होगी। पहला शारीरिक आवश्यकता। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने सुरक्षा आवश्यकता। तीसरा ऑप्शन है संबंध जोड़ने की आवश्यकता। फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने सम्मान पाने की आवश्यकता। तो आपको एक अपंग बालक जिसका तिरस्कार कर दिया गया है तो आपको सबसे पहले उसके साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता होगी। इसमें ऑप्शन नंबर तीसरा सही उत्तर होगा। जब एक कक्षा में बालक अपनी अपंगता के कारण तिरस्कृत कर दिया जाता है तब अध्यापक को चाहिए कि उस बालक को अवगत करने के लिए उसके साथ संबंध जोड़ने की आवश्यकता की पूर्ति करे। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही उत्तर होगा। तो यह था फ्रेंड्स आज के लिए। अगर आपको हमारा यह वीडियो सेशन पसंद आया तो लाइक करें और अपने उन मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें जो सीटेट परीक्षा 2020 की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।